वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। वायसा मानवता चैनल पर जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वीओएम टीवी चैनल में आज के खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर कृपाल सिंह जी यूएसए से। ब्रिजेन सिंह साहब अभी अमेरिका में हैं, वैसे उत्तर प्रदेश आगरा से हैं और पूर्व आईपीएस रहे हैं, उनका परिचय है। हमारे साथ रुम्पी जुड़ी हुई है, आसाम से बेटी है, वो कॉलेज स्टूडेंट है। और भी बहुत सारे मेहमान हमारे आज इस कार्यक्रम के डिबेट में जुड़ने वाले थे। बहरहाल दिल्ली में जो भारत की राजधानी है, वहां पे एक बहुत बड़ी घटना घटी है। वो 9 साल की जो नाबालिग बेटी थी, जो भरतपुर राजस्थान के रहने वाले थे और काम के सिलसिले में दिल्ली आए हुए थे उनका परिवार, और गरीबी के कारण वहां पे कूड़ा करकट बीन करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। और शमशान घाट है दिल्ली में, उस जगह में वो बेटी पानी भरा करती थी। जो शमशान घाट होता है उसमें वो पानी भरा करती थी। 1 अगस्त की शाम 5:30 से लेकर के 6 बजे के बीच में एक घटना घटी उनके साथ में, और वहां से वो लौटी नहीं। और बाद में इसकी जानकारी मिली कि उनके परिजनों को वहां का जो पंडित था जो शमशान घाट में रहते थे, उन्होंने बुलाया कि तुम्हारी बेटी को कूलर का करंट लग गया है और वो मर गई है। और उसने उनके माता पिता को दबाव बना करके उसको वहीं शमशान घाट में ही उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया। लेकिन जब उसने मना किया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पुलिस में जाओगे तो ये मामला लंबा चौड़ा हो जाएगा, इस मामला को यहीं रफा दफा करो। बहरहाल उसके साथ में गैंगरेप का मामला हुआ था और उस बेटी को इसलिए जला दिया गया कि ताकि सारे सबूत नष्ट कर दिए जाए। इस मामले में जब चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी का जो हमारे जो युवा साथी हैं, जो युवा नेता हैं, जो दलितों के शुभचिंतक हैं, उनकी लड़ाई लड़ने वाले हैं भारत में इस जन क्रांति को लेकर, तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के वहां पे दिल्ली में जब यह हंगामा हुआ और वहां के जो दिल्ली के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इसको लेकर आवाज उठाने लगे, तब कहीं वहां का प्रशासन जागा और इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई। उससे पहले उनके माता पिता को पुलिस वाले ले गए थे और उल्टा ही उनको 16 घंटे पुलिस थाने में बैठाकर उनको टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया। बल्कि दोषियों को वहां पे बचाने की लगातार साजिश चलती रही, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में इस घटना ने आपकी तरीके से इस घटना ने हलचल मचाई है और एक गरीब परिवार की बेटी, एक नाबालिग बेटी हमारी जो क्रूर ऐसे जुल्म का शिकार होकर चली गई, इस पर हम आप चर्चा करने वाले हैं और हमारे खास मेहमानों का भी हम विचार जानना चाहेंगे। मैं पहले ब्रिजेन सिंह जी साहब के पास जाना चाहूंगा कि लॉ एंड कानून की जानकार हैं, वो पूरा आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो जिस ढंग से इस घटना को लेकर पुलिस की जो कार्रवाई की लेकर जो वहां पे जो मामला सामने आया है, उस पर हम सवाल जानना चाहेंगे कि जिस ढंग से उल्टे जो है उनके माता पिता को वहां 16 घंटा बैठा करके टॉर्चर किया गया, मामला FIR नहीं किया गया, तो इसको आप किस ढंग से देखते हैं ब्रिजेन सिंह साहब, इस इतनी बड़ी निर्भया जैसे कांड को लेकर? हाँ जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आपने अवसर दिया और ये बड़ा दुखदायी रिपोर्ट बात सामने आ रही है। ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि इतना एक समय आज़ादी का हमारा होते हुए लोगों की सोच में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी और भी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसका लोग बजाय इसके कि इसके इन चीज़ों के बारे में कोई स्थायी सॉल्यूशन ढूंढने के राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और लंबे चौड़े विवाद खड़े करते हैं इस तरह की, इसलिए इस तरह की घटनाओं में निष्पक्ष रिपोर्ट को पहले देखा जाना चाहिए। आपको मालूम है कि 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST के रिजर्वेशन के अंतर्गत रहते हैं और हजारों घटनाएं ये रोज की होती रहती हैं गाँव में, बड़े शहरों में कभी कभी हाईलाइट हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि एक सोच, बड़ी गलत सोच है, जिसमें आप देखते हैं जैसे कहते हैं गाय और ब्राह्मण, वैसे कहते हैं स्त्री और शूद्र। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह गए हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी,
ये सब ताड़न के अधिकारी। अब नारियों के प्रति क्या दृष्टि है हमारे हमारे समाज की और हमारे धर्म लोगों की कि ढोल की तरह पीटा जाना चाहिए। तो स्त्रियों का, महिलाओं का दमन और उत्पीड़न तो एक आम चीज भारतवर्ष में है, और चाहे वो गरीब की बेटी हो चाहे पैसे वाले की, लेकिन ये सोच है लोगों की वो बड़ी खराब है। आपको ये पता है कि हमारे यहाँ सती बनाई जाती थी, ईसाई मिशनरियों ने उसको उसका विरोध किया। विलियम कैरी, जो फादर ऑफ मॉडर्न मिशन कहे जाते हैं, उन्होंने डाटा भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, आज उनका कोई नाम नहीं जानता। लेकिन राजा राममोहन राय, जो सूदखोरी भी करते थे और जिनको जो कि जातिवाद में डूबे रहे, मरते वक्त अपना जनेऊ तक नहीं उतार सके, उनको हीरो बनाया जाता है। तो हमारे हमारे देश की बड़ी समस्याएं हैं, हमारी सोच बड़ी गलत है, हमारी व्यवस्था गड़बड़ है। स्त्रियों के प्रति अपनी जो समाज अपनी माँ बहनों के साथ में न्याय नहीं कर सकता, उस समाज को का कहीं भी मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं किसी से न्याय मांगने का भी अधिकार है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं आपको ये सावधान करना चाहूँगा कि वो लोग जो 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको कमेटी बना करके इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से जांच करानी चाहिए, निष्पक्ष जांच जिससे सच्चाई सामने आए, और इसका किसी को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, क्योंकि चुनाव वुनाव भी अब नज़दीक आ रहे हैं ना, नए नए हीरो पैदा हो रहे हैं, तो इसको एकदम इमोशनल नहीं होना चाहिए, गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे समाज की भयानक बीमारी है। डाटा अगर आप देखें NCERB का, तो आपको हजारों केस तो मिलेंगे ही, और ऐसे केस बहुत मिलेंगे जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। और जो गांव-गांव में एक एटीट्यूड है, एक सोच है कि एक एक आदमी मर्दानगी ये मानी जाती है कि स्त्रियों को दबा के रखना, उत्पीड़न करना, और घर घर में ये बीमारी है। उन घर में जहाँ उत्पीड़ बलात्कार नहीं होते, उनमें भी बहुओं को गाँव में बड़ा दबा करके आज भी रखा जाता है। तो ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का गंभीर मुद्दा है, इसको सीरियसली सोचा जाना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजन सिंह साहब, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। हमारे साथ आसाम से रूम्पी सतनामी जुड़ी हुई है। रूम्पी, अपनी आवाज को इम्यूट करें, अपनी आवाज को। रूम्पी जी, जैसा कि पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आसाम से हमारे साथ इस प्रोग्राम में लाइव जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में जैसे अभी इस घटना को लेकर ब्रिजन सिंह साहब, जो पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं, उन्होंने छोटी थोड़ी बातें कही है, लेकिन बहुत गंभीर बातें कही है, उनकी बातों को आपने सुना है। तो जिस दिन से आए दिन ऐसी घटनाएं भारत में बेटियों के साथ में, महिलाओं के साथ में ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है, इसको लेकर के आसाम राज्य में आप रहती हैं, वहां का सिचुएशन क्या है, और अभी दिल्ली में जो घटना घटी है, इसको लेकर आपकी सोच क्या है, और इस संदर्भ में आप हमें, हमारे देखने सुनने वाले को अपने विचार रखें। रूम्पी, पहले तो सभी को नमस्कार। और इस मामले में तो जिन्होंने गुनाह किया है उसको तो कड़ी से कड़ी सजा देना ही है, और हमारे असम में तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर असम में ऐसा करते हैं तो उनके लिए तो क्या बताएं, हमारे जो असम सरकार हैं उनके लिए बहुत ही कड़ी पाबंदी दे रखी है। ऐसा तो जब से ये BJP सरकार बैठा हुआ है एक भी घटना घटी नहीं है। अगर आस पड़ोस अगर पीछे से होगा तो ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन क्लियर कट कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, जो आए दिन महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही है, दिल्ली में ये तीसरा घटना है बड़ी। इससे पहले निर्भया की घटना घटी थी। तो आप एक बेटी होने के नाते कितना आप सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करते हैं? घर से निकलने के बाद आपको क्या लगता है, डर लगता है, या ऐसी कोई घटना के लिए आप बेफिक्र रहते हैं, क्या सोचते हैं? जी नहीं, हम तो अपने राज्य में बेफिक्र ही जाते हैं, ऐसी दुर्घटना की कोई संकोच भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। जी, बहुत शुक्रिया रूम्पी सतनामी, आपके पास हम फिर से लौटेंगे अगले सवाल को लेकर। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं। कृपाल सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस डिबेट प्रोग्राम में, अपनी आवाज को इम्यूट करें पहले आप। थैंक यू जगदीश जी, नमस्ते, सत श्री अकाल,
जो घटना आज दिल्ली में हुई है, ये दिल्ली में एक तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले निर्भया जैसे भी घटना हुई थी वहां दिल्ली में, लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में अगर कोई बेटी सुरक्षित है, उनके साथ इतनी दरिंदगी के साथ में घटना हो जाए और उसको उसके सबूत मिटा करके मार दिए जाए, इस संदर्भ में अमेरिका जैसे वैश्विक देश में आप रहते हैं और कानून की भी आपको बहुत अच्छी मतलब है वहां पे नियम कानून अमेरिका में, तो भारत के परिदृश्य में इस घटना को आप किस दृष्टि से देखते हैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी? थैंक यू जी। देखो जी, अमेरिका में तो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज स्पेशल डिपार्टमेंट है, वो हर एक जगह, हर एक काउंटी, देश के हर एक स्टेट में है, स्पेशल चिल्ड्रन यूनिट्स हैं। कोई भी किसी किस्म की दुर्घटना पता चले तो वो उनका डिपार्टमेंट है जो आकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन्वेस्टिगेट करने के साथ फिर वो केस बहुत जोर शोर से उसको कोर्ट में उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, और बहुत बहुत जेल दे दी जाती है, जो लोग लंबी जेल में पा देते हैं जिन्होंने ऐसे काम किए होते हैं, और उनके रिफॉर्म के लिए भी जेल में प्रोग्राम बने हैं, और जब वो जेल से वापस आ जाएं फिर भी उनको ये प्रोग्राम और अटेंड एज एन आउट पेशेंट करने पड़ते हैं। बात यह है कि बच्चों की रक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम है यहाँ, फिर भी कोई ना कोई ऐसे गलबात गड़बड़ हो ही जाती है, पर उसका लीगल एंड सोशल एंड मेडिकल जेड़े ट्रीटमेंट ने दे आर अवेलेबल एंड उनको जरूर वर्तों में लिया जाता है। पर मैं आपसे ये भी विचार साझा करना चाहता हूँ कि मैं भी छोटा हुआ भारत में पढ़ा हूँ, आई यूज टू रीड के भाई किस तरह तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी ने जो सती दी रस्म सीगी उन्हों स्टॉप कीता, उदे विरुद्ध आवाज उठाई, विच वी टॉकिंग अबाउट 17th सेंचुरी, एंड उससे पहले गुरु नानक साहब ने भी औरतों के हक में बहुत आवाज उठाई के उस उनकी बराबरता में। ऐसे ही समय समय अनुसार और भी प्रोग्राम चलते आ रहे हैं, पर बात यह है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ना, कि जो ब्राह्मणों की लड़कियां लड़के हैं वो अच्छे हैं और जो शूद्रों या किसी और के हैं वो इन्हें अच्छे नहीं है, ये बात जो है इसका सबसे भैड़ा नतीजा ये है कि भाई ये जो थ्योरी चल रही है ना कि ब्राह्मण सिर से आए, वारियर वहां से आए, और वैश्य आए पेट से, और शूद्र पैरों से आए, दिस काइंड ऑफ फिलॉसफी ने हिंदुस्तान कर रखा है, एंड घर घर के बिच बीमारी पैदा कर देती है नफरत दी, ते बच्चों की निगलैक्ट दे लई, विच इज वेरी सैड, एंड वी नीड रिफॉर्म इन द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज इन अमेरिका एंड स्पेशली इन USA, द चिल्ड्रन आर फर्स्ट, द टाइम स्पेंट ऑन द चिल्ड्रन, देयर एजुकेशन, देयर केयर, ते उन्हां दी लुक आफ्टर दे लई, दैट इज कंसिडर्ड प्राइमरी, फिर उस तो बाद दे विच एडल्ट एंड ओल्ड पीपल आर कंसिडर्ड। सो जमीन आसमान का फर्क है ऐसी बात, तो कोई ऐसी बात ये हो जाती है अमेरिका में व्हाइट हाउस के आले दुआले घेरा पै जाना था जी, और जो कैपिटल है उसको सराउंड कर लेते लोग या करके भी, क्यों ये कैसे हुआ, किसकी मजाल है ऐसे काम करने के लिए। सो बिग डिफरेंस अमेरिका और इंडिया के बीच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कृपाल, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि जिस ढंग से अमेरिका में नियम कानून है और वहां के लोकतंत्र में जनता स्वरूप रही है, हालांकि अभी भी यहाँ पे इस मामले को लेकर जो नियम कानून को लेकर भारत में एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश होती है, कोई ना कोई राजनीतिक दबाव होता है, तब जो है FIR दर्ज होते हैं, मामले दर्ज होते हैं, नहीं तो ये क्या है कि कोई आम आदमी अगर पुलिस कानून में जाएगा तो पहले तो उसकी सुनवाई ही नहीं होती है, और वैसा ही इस मामले में भी हुआ है। बल्कि
दिल्ली जैसे महानगर में ऐसी घटनाओं का जो पुनरावृत्ति होना एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। हमारे साथ मेघरा जी जुड़े हुए। मेघरा जी, इस बच्ची के साथ जो घटना घटी है दिल्ली जैसे महानगर में, राजधानी है, तो इस संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। मेघराज जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है ना, ये पहली घटना नहीं घटी है। ये तो तकरीबन हर महीने 6 महीने बाद या मतलब इसे चलता रहता है, हिसाब किताब चल क्यों रहा है, कारण क्या इसके पीछे। इसके जो पीछे अगर कारण हम देखें तो ये ब्राह्मणवाद के जो धर्म, जिनको धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो ग्रंथ तो कूड़े में डालने लायक है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों के अंदर ये चीज लिखी है कि अगर उसकी साथ बलात्कार करेंगे तो उसको प्रयाग मिलेगा, पुण्य मिलेगा। अगर उसमें लिखा है कि चमार की जो लड़की है उसी साथ बलात्कार करते हैं तो वो गंगा स्नान का फल मिलेगा। तो जब ऐसे ऐसे ग्रंथों में ये चीजें लिखी होंगी तो कहाँ पर मतलब जो 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 बैठे हैं ये शैतान हो गए, वो खुद को जो जो जिनकी माइंडलिटी एक गिरे हुए इंसान की, वो अपना वो धार्मिक इंसान समझते हैं। और बड़े बड़े तो ये जो सिस्टम है, ये पूरा मनुवाद के कब्जे में ब्राह्मण राज चल रहा है भारत में, और जब तक ब्राह्मण राज है भारत में तब तक यहाँ शांति नहीं आएगी। बलात्कार किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकते। ये बड़े बड़े पुजारी हैं, बड़े बड़े जो महंत लोग बड़े बैठे, ये एक के साथ नहीं, वो हजार हजार के साथ बलात्कार करते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और हम सब मिलकर के उसको उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद ही यहाँ पर सच्चाई का राज जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि झूठ बेईमानी तूफान के ऊपर ब्राह्मणवाद खड़ा है और इसको हम सब मिलकर के उखाड़ सकते हैं और इसको एक दिन उखाड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना यहाँ पर शांति नहीं आएगी। तो ये बलात्कार ब्राह्मणों की गलती नहीं है, ब्राह्मणों को जो जो उन्होंने सीखा पीछे वैसे करेंगे। अगर वो गाय को माता बोलते हैं तो माता बोलेंगे, अगर उनको पता है कि गाय तो पशु है क्यों माता बोले, तो जो जो उनको जो उनके दिमाग में है, जहन के अंदर है, वही बोलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारा की जो बलात्कार जो चल रहा है, पहली घटना नहीं है, ना ही रुकने वाली है। रुकेगी तब जब हमारा आत्मराज होगा। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि किसी को दे है जो बल से ले है, फिर गए राज बिना धर्म चले है, धर्म बिना सबका लबल है। धर्म का मतलब सच है, जो सच ब्राह्मण के दिमाग में बैठ गया वो सुधर जाएंगे, झूठ अगर नहीं सुधरेंगे तो ये जो सारा सिस्टम है, हम इसके राज के बिना नहीं होगा। तो हम इसको कब्जे में लेंगे आने वाले वक्त में, और इनको तो जो सजा, जो बलात्कारी है इनको तो वहीं के बाद फांसी पर टंगाएंगे जहां पर ये बलात्कार करते हैं, ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। तो ये बलात्कार जो है हो रहे ही जी। बहुत शुक्रिया मेघराज जी अपने विचार रखने के लिए। मैं बृजेंद्र सिंह साहब के पास फिर से लौटना चाहूंगा। जिस दिन से ये घटना घटी है और वहां जो मामला सामने आया है कि जिस ढंग से वहां पे इस सबूत को मिटा दिया गया और अन फनन में वहां पे जो जिन लोगों ने दोषी जो लोग हैं वो उनको काफी दबाव के बाद में कार्रवाई किया गया। हालांकि कानून का जो जितने भी धारे हैं, पास्को है, एक्ट्रोसिटी एक्ट है, या तमाम जो जो धारे हैं वो तो लगे हैं, बाद में लगे हैं दबाव होने के बाद में, और इसमें राजनीतिक नेताओं ने भी इस घटना को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें जिन से चूंकि राजधानी है दिल्ली में, और ये मामला जब सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब ये घटना की खबर लगी तो लोगों ने उसको 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 हाथों हाथ लेने की कोशिश करी। लेकिन बहरहाल ये एक गरीब की बेटी को लेकर इस ढंग से जो अन्याय अत्याचार हुआ है और उसके सबूत मिटा दिए गए हैं, तो कल को कानून में, कोर्ट में इस घटना को लेकर क्या हो सकता है। मैं बृजेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। नहीं देखिए, ये तो अपने आप में खुद ही अपराध की परिभाषा में आता है, किसी सबूत को मिटा देना। लेकिन मैंने जो आपको बताया पॉइंट, सबसे बड़ा ये है कि जो जैसा कि कृपाल सिंह जी ने कहा कि ये जो हमारी व्यवस्था है जो कि आदमियों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझती, शूद्र में भी उन्होंने जैसे बांट रखे हैं, अनसीएबल, अनटचेबल, अनअप्रोचेबल, है ना, छुआ नहीं जा सकता, और उनके साथ में स्त्री और शूद्र, इस तरह से आपको ये भी लोगों को गलत फहमी है कि ये सिर्फ गरीब वर्ग की महिलाओं के साथ होता है, वो एक गरीबी उसका कारण है उसके पीछे। लेकिन जो सती बनाई जाती रही, जलाई जाती रही, वो तो सब सवर्ण महिलाएं थी। तो ये जो व्यवस्था है ये न्याय नहीं करती। इस व्यवस्था के लोगों को बदलने के लिए, लोगों की एटीट्यूड को बदलना बड़ा जरूरी है। और ये जो कृपाल सिंह साहब ने कहा कि ये अमरीका के अंदर, तो अभी उसका वहां के व्हाइट हाउस को घेर लिया जाएगा, वहां
वहां तो अगर इस तरह की घटना हो जाए तो राजनेताओं का जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर ये सामान्य चीजें हैं, जल्दी कोई करवट नहीं लेता। जबकि हमारे, जैसा मैंने कहा कि 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन वर्गों के हैं जिन्हें आप दलित और जिन्हें SC ST कहते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि क्योंकि सेंसेशन भी फैलाते हैं लोग, इनको पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियन है, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो कमेटी बनाए और निष्पक्ष रूप से जांच कराए, और जिसने भी सबूत किए हैं वो सबूत मिटाने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी है और उनको सजा मिलनी ही चाहिए, मगर भावुक नहीं होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। और दूसरी बात, ये परमानेंट बीमारी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये घटना यहाँ हो गई है, एक वहां हुई है, ये रोज तीसरे दिन ये घटना है, खासतौर से गरीबों के साथ में, इसका जाति से ज्यादा आर्थिक स्थिति से लोगों का मतलब है, जो लाचार हैं, दरिद्र हैं, उनकी बहन बेटियों को गोश्त की बोटी की तरह समझा जाता है। तो ये जो सोच है एक यूरोप के कंट्रियों में, देशों में, बिल्कुल आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता इस तरह। उसका कारण है, जैसा कि उन्होंने बताया, यहाँ शिक्षा पर अमेरिका में जोर है, स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर है, तो पढ़ाई लिखाई पर जोर है, मानव अधिकारों पर को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लोगों की एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। ये जो गलत सोच है ये बदली जानी चाहिए, और इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए। कानून तो अपना काम करना ही चाहिए, कानून को, और ये अच्छा अच्छी चीज है कि ऐसी चीजों को लोग जागरूक हो गए हैं आज, और सरकार भी सोचने को मजबूर हो गई है, और पुलिस भी उसको उसके उसके खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर हो गई है। तो प्रश्न मजबूर होने का नहीं है, प्रश्न मानव अधिकारों का है, जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी की जानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया ब्रिजन सिंह जी। मैं रूमती के पास फिर से लौटना चाहूंगा। रूमती, आप एक बेटी हो, आप अपनी आवाज को इम्यूट करें, पहले तो अपनी आवाज इम्यूट करें। रूमती भैया, अपनी आवाज को इम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अपनी आवाज को इम्यूट करें, जो कैमरा में आवाज है साउंड को ठीक करो, अपनी आवाज को इम्यूट करें, कैमरा में जो आवाज है उसको इम्यूट करो। अब ठीक है, अभी ठीक है। आप एक, जिस ढंग से ये घटना दिल्ली में घटी है, और इस बेटी के साथ में जो एक गरीब थी और कूड़ा बीन करके पानी भरने का काम करती थी, जो उस घटना को लेकर जो आसाम में है या जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, ऐसी घटनाओं को लेकर लोगों के दिलों में या इस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है? आप जैसे युवा लोग हैं, उनके प्रति क्या सोच है कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है और बेटियों को कैसे बचाया जा सकता है? अपनी विचार रखें, बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि आए दिन रोज ऐसी घटनाएं घट रही है। भारत के अगर आंकड़े को देखें, क्राइम रिपोर्ट को देखें, तो रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है। लेकिन आज ये जो घटना घटी है दिल्ली में, जो इसको लेकर जो यूथ बेटे और बेटियां हैं उसके अंदर में क्या सोचे? मेरे ख्याल से उनका कनेक्शन कुछ गड़बड़ है। इन द मीन टाइम आई से फ्यू वर्ड्स इफ इट्स ओके। जी डॉक्टर साहब बताएं। जगदीश जी, यहाँ एक और सिस्टम भी बहुत फर्क है इंडिया से। यहाँ ये कहते हैं लोकल अथॉरिटीज, जो जैसे आपके है जिला परिषद एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, यहाँ जो है ना, हर एक सिटी, जैसे मैं डिटोना बीच में रह रहा हूँ, यहाँ डिटोना बीच की जो काउंटी है उसका नाम है वोल्यूशा काउंटी। काउंटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, विद द शेरिफ एंड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स। जेड़ा है सिटी जिसे रह रहे हैं डिटोना बीच, जो लोकल पावर है ना यहाँ, ये बहुत है। पुलिस के हायर करने वाले कौन है? ये लोग हैं यहाँ मेयर के, यू नो, शेरिफ डिपार्टमेंट हायर इट्स ओन पीपल विद इन द काउंटी। एंड जो स्कूल बोर्ड है वो भी यहाँ से ही है। सो
ये लोकल लोगों की नीड पे बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, अदरवाइज वो इलेक्ट भी नहीं हो सकेंगे वहां। सो पावर इज विद द पीपल हियर इंस्टेड ऑफ पावर विद द सेंटर और पावर विद द स्टेट। सो ये डिफरेंस है यहाँ से। आपके शहर में जाओ पुलिस के साथ, आप पुलिस के साथ डर के नहीं दूर भागते, पुलिस को आप प्रेम से गल बात करते हैं, कोई दुख तकलीफ हो उसे पूछ लेते हैं, वो स्टॉप एंड हेल्प यू, दे आर नॉट के भाई दे आर बिग टेरर एंड स्टे अवे फ्रॉम देम। सो यही बात और है। सो पावर इज लोकल इंस्टेड ऑफ पावर बीइंग विद द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स ए वेरी बिग डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन वाइज। इसीलिए जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या कोई और है उनकी प्रॉब्लम हो तो उस अपने लोकल जो थोड़ा वार्ड है जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करो, वो गांव दी गांव ले जाकर आपका अच्छे से अच्छे से फैसला करवाएंगे। सो यस दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस हियर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं रूम्पी के पास फिर से जाना चाहूंगा। रूम्पी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ भैया। जिस ढंग से उस बेटी के साथ में इतनी बड़ी घटना घट गई, तो बेटियों को आप स्वयं के रूप में सुरक्षा के रूप में उनको क्या सोचना चाहिए, क्या मतलब उनको करना चाहिए ताकि वो स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके? क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा करना आज के समय में, घर से निकलना, जिसे आप सोच सकते हो कि दिल्ली जैसे राज्य में उस गरीब बेटी के साथ में उनके साथ ऐसी घटना घट गई और उसको जिंदा जला के मार दिया गया, इसको लेकर आपके जो युवा लोग हैं, युवा जो बेटियां हैं जो देख सुन रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? पहले तो अपने आप को सेफ्टी देना जरूरी है। हम सेफ रहेंगे तभी तो दूसरों को सेफ्टी का कुछ तरीका बता पाएंगे ना। और जैसे कि अभी जो हमारे सर जी ने कहा पुलिस के पास हम क्या जाए, अपराधी अपराध कर एक दो महीना जेल, वो अपने सेंट्रल जेल में रह रहा है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जा रहा है गुनाह करने के लिए। पहले तो इस बात पर सभी को गौर करना चाहिए कि जिसने गलत काम किया उसको तो एक दो महीने के लिए ही हालात में बंद किया, उसके बाद छोड़ दिया। हमारे इधर तो ऐसा होने से एक दो दिन रहता है जेल में, उसके बाद तो वो चला गया घर में। तो इस बात में यह है, जिसने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, जैसे कि वो भूल के भी और एक बार इस काम को ना करे। लेकिन वो कर रहा है, उसको देखकर और दो लोग सीख रहे हैं इससे, क्योंकि उसने ही बढ़ावा दिया है। और जो हमारा रहा बाकी पुलिस, इनका तो कुछ अता पता ही नहीं है, पैसा जिधर खाते हैं उधर ही बात बोलते हैं जी। बहुत शुक्रिया रूम्पी, आपने थोड़ी सी बातों पे आपने बातें सही कह दी है कि जिस ढंग से भारत की पुलिस करप्ट है, भ्रष्ट है, कोई पीड़ित अगर किसी थाने में एफआईआर कराने जाती है तो उसकी तो पहले सुनवाई ही नहीं, अगर सुनवाई होती भी है तो वो दुनिया भर के ताल मटोल और उल्टे जो आरोपी को बचाने के लिए, क्योंकि उनका तंत्र और जो ब्राह्मणवादी तंत्र है या जो सिस्टम है वो बहुत हावी हो चुका है भारत देश के अंदर में। जैसा कि अभी बृजन सिंह जी ने भी कहा कि भारत में 132 एससी एसटी के एमएलए एमपी हैं, लेकिन जब हमारे बेटियों के साथ में, हमारे समाज की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ऐसी कोई जघन्य घटना घटती है तो इनके मुंह में ताला लग जाते हैं, इनके मुंह में दही जम जाते हैं। जबकि 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अकेले जी। जी जी, तो मैं ऐसे 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 जो जन 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 नेता है जो समाज से जाकर के वहां पे प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। क्योंकि दिल्ली जैसे जगह में एक नाबालिग बेटी के साथ में ऐसी घटना घटी है और कोई भी जनप्रतिनिधि नेता इस मामले को लेकर सामने अभी तक नहीं आया है। जो एससी एसटी के नेता कहे जाते हैं, जो अपने आप को जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए गौरवान्वित होते हैं और चुने जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम आज
बहुत खेद प्रकट करते हैं कि ऐसे जो जनप्रतिनिधि नेता है 132 जो लोग हैं, वैसा मानवता चैनल की ओर से, दर्शकों की ओर से हम ऐसे लोगों को धिक्कारते हैं कि ऐसे लोगों का, लोगों को धिक्कार है कि उनका जो ऐसे जनप्रतिनिधि बने रहना। बहरहाल हम इस विषय को लेकर हम और आगे बढ़ना चाहेंगे कि जिस दिन से उस सबूत को मिटा दिया गया है और अभी जांच चल रही है, मामले दर्ज हो गए हैं, तो इसमें क्या बेटी को न्याय मिल पाएगा या ये मामला आगे चल के ठंडा बस्ता में चला जाएगा? मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा क्योंकि वो एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी रहे हैं और निचले स्तर के अधिकारी किस ढंग से कार्रवाई करते हैं, इस पर हम ब्रिजेंद्र सिंह जी के जवाब जानना चाहेंगे। सर, आपके माध्यम से हमारी जनता आश्वस्त होना चाह रही। जी हाँ, आप लोग सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये व्यवस्था बुरी तरह से भ्रष्टाचार, जैसा बिटिया ने बताया है, इसमें फैला हुआ है। फर्क ये ऐसा नहीं है कि बाकी सब महात्मा लोग साधु लोग हैं, अब हजारों हजार करोड़ों लोग को लेकर के जो भागते हैं तो ऐसे तो नहीं भाग सकते। तो ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है, मगर इस वक्त ये ह्यूमन राइट का मामला है, मानव अधिकार का मामला है, तो ये जो है राजनीतिक रोटी सेकने का मामला नहीं है। अब मैंने इसलिए ये कहा कि 132 एमपी में दो चार वहां के जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होंगे जो ऑलरेडी बने हुए हैं, पहले तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी चंद्रशेखर जी तो राजनीति का कैरियर बनाने जा रहे हैं, जिनका बन चुका है, पहले तो उनकी जिम्मेदारी है ना, वो कितने लोग वहां आए। तो ये इतनी मानवीय मामलों में इसको मानवीय दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, और इसमें खास तौर से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अगर वो नहीं आते हैं सामने तो कंडेम किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि इस ऐसी चीजें में भाव मतलब राजनीतिक रोटी सेकने के बाद सेंसेशन और फैलाया जाता है, जिसमें मीडिया भी कोई पीछे नहीं रहता। तो जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, निष्पक्ष जांच के साथ सामने आना चाहिए और सख्त से सख्त फिर सजा लोग दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को। जी बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र सिंह जी। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह के पास फिर से जाना चाहूंगा कि जिस ढंग से एक अमेरिका एक विकसित देश है और वहां नियम कानून को लेकर बहुत सरकार संजीदा है, अगर अमेरिका जैसे नियम कानून संजीदा रहते तो भारत में जो ऐसी हो रही घटनाओं को लेकर क्या हो सकता था? मैं कृपाल सिंह के पास जानना चाहूंगा उनकी प्रतिक्रिया के लिए। जैसा कि आसाम से रूम्पी ने भी कहा कि ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को पुलिस में कुछ दिन के बाद में छोड़ दिया जाता है ताकि उनके हौसले और बुलंद हो और ऐसे अपराधी और ऐसे कार्रवाई करने के लिए आगे आ सके या अपराध को और पुनरावृत्ति कर सके। कृपाल सिंह साहब। हाँ जी, यहाँ तो ऐसे होता है जी कि जो भी हमारे लोकल असेंबली मेंबर हैं, जो भी एमपी वगैरह, जैसे यहाँ कांग्रेसमैन और सेनेटर्स वगैरह कहते हैं उनको, जहाँ जो वार्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोकल लोग उनको घेरा पा लेते हैं जी। उनको घेरा पा लेते हैं कि भाई हमें इसका जवाब चाहिए, कार्रवाई चाहिए, उनको आगे जान नहीं देते वहां। ऐसे लोग इकट्ठे होके उनके उनके घर बार जो भी है उनको जाके घेरा पा लेते हैं। सो यहाँ भी जो आपको एमपी वगैरह चुनते हैं या असेंबली, जो लोकल बंदे हैं, लोकल कम्युनिटी के बंदे, वहां से एक्शन शुरू होगा। वो आज एक एक फैमिली की लड़की के का बलात्कार हुआ, कल किसी और का होगा, कल किसी और का हो सकता है। सो जो परिवार है ना आले दुआले, उस परिवार से मिलजुल कर इकट्ठे होके दे हैव टू गो, नॉट जस्ट द वन फैमिली बट दे हैव टू गो टुगेदर। जो भी लोकल है तुहाडे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने घेरा पाओ जाके, उन्होंने रोको सुनवाई दे लई। दैट्स द ओनली वे टू गेट yourself heard, otherwise no one is, किसी ने टेंशन नहीं पे करनी। जी बहुत धन्यवाद कृपाल सिंह जी अपने विचार रखने के लिए। मैं ब्रिजेंद्र सिंह के पास फिर से लौटना चाहूंगा एक दो और सवालों को लेकर कि जिस ढंग से दिल्ली एक सुरक्षित राजधानी कहा जाता है, वहां केंद्र की सरकार है, वहां राज्य की सरकार है और तमाम प्रशासन के लोग वहां पे बैठे हुए हैं और वहाँ सारे जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो जिस ढंग से उस बेटी ने अपनी कर्तव्य निभाते हुए शमशान घाट में पानी भर दी थी, तो शमशान घाट भी वहाँ हाईटेक शमशान घाट होगा,
तो वहां पे जो कानून आज 1 अप्रैल से लेकर के आज 4 दिन हो गया, लोग वहां पे सड़कों पे है, वहां परिवार वाले इसको लेकर लगातार कानून से ये गुहार कर रहे हैं, लेकिन कानून को जितनी संजीदा से कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, इस सारे तथ्यों को सामने पटल पे लाना चाहिए। तो इसमें क्या खमी खामियां और क्या कमी आपको नजर आता है सर इस घटना को लेकर, विजय सिंह जी? जी यस, ये जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कायदा तो ये कहता है कि अगर किसी ने भी लापरवाही की है तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, मुकदमा कायम किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कानून में कोई कमी है, लेकिन जो कानून को लागू कर रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी वहाँ बैठे होंगे, छोटे मोटे बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, दिल्ली है ये, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ कारण होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि वो पूरे फैक्ट्स अभी सामने नहीं आ पाए होंगे, और या ये हो सकता है कि जैसा कि गरीब आदमी के साथ होता है कि गरीब की के की बेचारे की रोज इज्जत लुटती है, उसका उसको इंसान माना ही नहीं जाता। तो ये तो जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करें उसमें। जी आई थिंक देयर इज अ डिस्कनेक्ट ओवर हियर। मेरी आवाज सुन रही है जी आपको? हेलो, भाटिया साहब का फोन आ गया था सर, वो उनको मेल अपडेट नहीं किए हैं मेघराज जी, तो बहरहाल वो जुड़ेंगे, मैं उनको इनवाइट किया हूँ। मैं इस सवाल को लेकर मैं रूम्पी के पास फिर से जाना चाहूंगा। रूम्पी अपनी आवाज को इम्यूट करो, रूम्पी अपनी आवाज जी, आप हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं या जो दर्शक जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को लाइव में, तो जिस दिन से आज भारत में बेटियों के साथ में लगातार घटनाएं घट रही है और आज का जो यूथ जनरेशन है वो काफी एडवांस हो चुका है, पढ़े लिखे लोग हैं, स्वतंत्रता के साथ दिल्ली जैसे महानगरों में घूमते हैं, आजादी के साथ नौकरी भी करते हैं, अपने व्यापार कारोबार भी करने पे जाते हैं, तो दिल्ली की इस घटना को आप किस नजर से देखते हैं? ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि 9 साल की लड़की, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस मामले में तो कड़ी से कड़ी इसको जांच पड़ताल करके और जो इसमें आरोपी है उसको तो सजा देना चाहिए, क्योंकि ये अगर भाग निकला तो पीछे जाके और 4 लोगों को एक क्या करेगा, उसी काम के लिए बेबस कर देगा, और इसको देख के ही वो 4 लोग सीखेंगे। ये तो हमें अच्छा नहीं लगा कि 9 साल की बच्ची और उसके साथ ऐसा अत्याचार। जी बहुत शुक्रिया रूम्पी, आप आसाम जैसे एक नॉर्थ ईस्ट एरिया से आपने हमारे साथ जुड़ा और आपने प्रतिक्रिया भी दी। बहरहाल हम आपके पास और नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम जुड़ेंगे, और आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से जो जो डिबेट चल रही है अभी दिल्ली में, लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, लोग इसकी गुहार लगा रहे हैं शासन से, कानून से, वहां बहुत सारे सामाजिक महिलाएं भी जुड़ गई हैं और तमाम जो सामाजिक चिंतक लोग वहां जा करके उनके परिजनों से मिले हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं और इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इसमें कानून अपनी कार्रवाई पे लगी है, जांच पे लगी हुई है, मामला सामने कितना आएगा, क्या होगा, ये तो कुछ दिनों के बाद सामने पटल पे आएगा कि किसकी गलती है, क्या हुआ था, ये सारे तथ्य क्या हो सकते हैं। मैं जिस दिन से इस मामले को लेकर आज देश के अंदर में एक जो पूरे भारत के अंदर में या अपितु दुनिया के अंदर में निर्भया जैसे जो घटना घटी थी दिल्ली के अंदर में, वैसे ही एक बड़ी घटना है, तो कहीं इस गरीब के बेटी के साथ में घटना घट गई और इस कार्यवाही को लेकर आगे जाके क्या हो सकता है, इस संदर्भ में मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास जानना चाहूंगा कि इसमें क्या इस बेटी को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या यूं ही
मामला दफन हो जाएगा। ब्रिजन सिंह देखिए अब ये तो न्याय देने वालों के ऊपर है, अगर वो कार्रवाई सख्त करेंगे तो ऐसा कानून सख्त है इसमें न्याय बिल्कुल मिलेगा अगर ठोस कार्रवाई की जाती। खास बात यह है कि जल्दी से जल्दी तथ्यों का पता लगा करके जो भी संबंधित लोग हैं, चाहे वो सरकारी लोगों का लापरवाही रही हो, चाहे वो जिन लोगों ने सबूत गायब किए हैं वो लोग हों, एस्टेब्लिश। देखिए कानून ऐसे काम नहीं करता, वो पूरे तथ्यों के सामने न्यायालय के में सबूत दिए जाते हैं, तो सच्चाई से निष्पक्षता से जल्दी उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। खास बात ये है जी। बहुत शुक्रिया बिजन सिंह साहब। मेघरा जी हमारे साथ फिर से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे सामने जुड़े हुए हैं। मेघरा साहब, इस घटना को लेकर जिस ढंग से वहां लापरवाही सामने आई है, वहां का जो पुलिस वाला तत्काल FIR नहीं किया, उल्टे उनके माता पिता को 16 घंटे रखा गया, उनके साथ मारपीट किए जाने की भी खबरें आई है, तो इस बाबत जो उस गरीब की बेटी के साथ में, चूंकि वो एक अनुसूचित जाति गरीब परिवार की बेटी थी, जैसे सोशल मीडिया में इस घटना की जानकारी हुई तो लोग जब सामने आए हैं तब इस पे कार्रवाई शुरू हुई है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मतलब जो गरीब परिवार हैं या जिनको दलित बोलते हैं लोग भारत में, उनकी अब उनको अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन जब इंसान को मार रहा है, दुश्मन के साथ जब गलत कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो दूसरा उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये जो भारत में जो रहने वाले जिनको दलित बोला गया है, जिनको शूद्र बताते हैं, ये यहाँ के सबसे बड़े ताकतवर लोग हैं, तो ताकत इनकी ताकत को कमजोर करने के लिए ऐसी घटनाएं करते हैं ये। और जिस दिन इनको पता लग गया है कि ये हमारे मतलब जैसे अभी देखा हो रहा है, एक तो गरीब है, ऊपर से इनके साथ बलात्कार भी होते हैं, ऊपर दुराचार भी होते हैं, ऊपर से इनको मारते भी हैं, काटते भी हैं, कारण क्या है? इसका कारण सीधा एक ही गेमबरी की ताकत से डरते हैं, तो जो इनका इंसाफ तो मिलेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो पुलिस वालों को कोई धमकी देता है, कोई ऊपर से मिनिस्टर तक की बात है, उनको धमकी मिलती है, तो पुलिस वाले वहाँ क्या करेंगे, उनको नौकरी का खतरा होता है। तो ये तो सिर्फ जो है ना, जब हम बहुजन जो भारत के जो लोग हैं, इसलिए बोला जो अगर एक साथ एक से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाते हैं तो इंसाफ भी मिलेगा और इनको राय तक भी पहुंचेंगे, तो ये इंसाफ। आज ये घटना पहली बार नहीं हुई है, ऐसी घटना और भी हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये जो शैतान लोग बैठे हैं ये उलझा रखते हैं लोगों का किसी न किसी कारण से, तो इसको जो है ना, ये मुझे नहीं लगता इसमें कोई इंसाफ मिल पाएगा। जैसे हथरस का कांड हुआ, आपने देखा आपके सामने है सारा कुछ हो गया, कुछ है क्या कहाँ पर गए, तो ये मिलेगा नहीं इंसाफ। इंसाफ मिलेगा उसको जब वहां पर सच्चा और ईमानदार इंसान होगा, तब इंसाफ मिल पाएगा। चोर डाकू लुटेरे बैठे ये कौन किसको इंसाफ देंगे, तो मुझे लग रहा है इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमें फिर भी संघर्ष जारी रखना चाहिए और अपने काम की तरफ बढ़ना चाहिए। जी जी बहुत शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम को ज्यादा लंबा ना ले जाते हुए एक एक मिनट में हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मैं अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में लेना चाहूंगा, उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम को, इस डिबेट को हम समाप्त करना चाहेंगे। कृपा सिंह साहब, आज के इस घटना को लेकर देश भर में निंदा की जा रही है और उस बेटी को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। बहरहाल आप अमेरिका से जुड़ करके इस मामले को लेकर, हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस बड़ी घटना को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं, और देश की जनता इस घटना को लेकर लगातार निंदा कर रही है और इस बेटी को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है, तो इस तरह जो हमारे देखने सुनने वालों को आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर, हमारे देखने सुनने वालों को जागरूकता के रूप में, अवेयरनेस के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि हमारी बेटी स्वयं सुरक्षित रह सके और भारत के प्रदेश में आए दिन ऐसी घटना को कैसे रोका जा सकता है? डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। देखो जगदीश, यहाँ अमेरिका में तो लोकल पावर है, सब लोग जो किसी का भी कोई गड़बड़ हो वो जाकर आले दुआले के लोगों से मिलके अपनी आवाज उठाते हैं, और उनकी आवाज फिर कोई चर्च लीडर हुए या कोई और सोशल लीडर हुए वो ले लेते हैं, वो और लोगों में उनके जलसे वगैरह करके उसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हौली हौली आगे बढ़ाते हुए लोकल पावर जो है ना, लोकल शुरू होने से फिर वो, तब फिर पॉलिटिकल लीडर उनकी बात सुनते हैं, तब फिर पुलिस वाले या और लोग तब सुनते हैं बात उनकी। ये लोकल पावर ना हो, लोकल जागृत ना हो, तो कोई प्रबंध नहीं हो सकता।
That's what we need in India too. जी जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस महत्वपूर्ण डिबेट में हिस्सा लिया, अपने विचार रखे। मैं रूम्पी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। रूम्पी, हमारे दुखने देखने सुनने वालों को ऐसी घटनाओं को लेकर, जो हमारी बेटियां हैं जो बाहर निकल के जाती हैं अपने काम धंधे पे या छोटे मोटे काम करने के लिए, रोजगार के लिए या पढ़ने लिखने के लिए या काम पे जंगलों पे, ऐसे बेटियों को आज के इस न्यू जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो अपने आप में सुरक्षित रह सकते हैं? रुबी जी, आप हमारी तो पावर सुनाई दे रहा है जी। हाँ, आप बोले जी। पहले तो गरीब आदमी इतना पावरफुल होता नहीं है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है जो पैसे के दम पर वो पावर दिखा सके। गरीब आदमी क्या करेगा, जो बची कुछ इज्जत लेकर अपने घर ही आ जाएगा। अगर आवाज उठाने के लिए जाए तो उसे इज्जत को करना पड़ेगा। और जो अभी 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 जो चल रहा है इस मामले में, जो हमारे बेटियों की इज्जत, क्योंकि अमीरों की तो इज्जत लूटती नहीं है, लूटती तो है गरीबों की ही, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना पावर है। पढ़ा लिखा हो ठीक है, अब इस अवस्था में अपने आप को ही मजबूत बनाना है बस, जो लड़ सके। जी बहुत शुक्रिया रूबी, आसाम से नॉर्थ ईस्ट से आपने अपने विचार देने के लिए अपना समय निकालकर हमारे इस डिबेट में आपने भाग लिया। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास लास्ट कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह जी, जैसा कि अभी हमारी इस बेटी की आवाज को सुना, क्योंकि बेटी स्वयं जब तक ये आत्मनिर्भर तो है, कोशिश भी कर रही है, लेकिन दरिंदों के हाथों बेबस और लाचार हो जाती है और उनके साथ ऐसी बेबस घटनाएं हो जाती है। बहरहाल हम अपने बेटियों को, उनकी इज्जत को लेकर, उनको सुरक्षा को लेकर, जिस ढंग से सरकार नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छे दिन और ना जाने क्या क्या बातें ये करते हैं, लेकिन जस्ट उल्टा उसके इस सरकार में ऐसे हरकतें हो रही है, ऐसे कार्रवाई हो रहे हैं जिसको लेकर सरकार की किरकिरी भी हो रही है। ब्रिजेंद्र सिंह जी, लास्ट कमेंट क्या अपना हमारे वाले? देखिए, मैं ये बड़ी शर्मनाक चीजें हैं, बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं। आपने ये तो सब बताया कि जो लोग सेंसेशन फैलाने वाले भी उसमें लोग होते हैं और राजनीतिक रोटी सेकने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग होते हैं जो सच में जेन्युइन प्रतिनिधि हैं, जो जेन्युइन पत्रकार हैं, जो जिन्होंने कोई एक निष्पक्ष तथ्यों को एस्टेब्लिश किया है। क्योंकि कानून जब कार्रवाई अपनी करता है तो इमोशनल होकर के या सेंसेशन फैलाने वालों के बयानों के आधार पर नहीं करता, जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर करता है। तो तथ्यों को जल्दी से जल्दी एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन कोई मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब तक चीजें कोई कंट्रोवर्शियल होती हैं, विवादास्पद होती हैं, तो उसमें से एक सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। सच्चाई का पता लगा करके तत्काल प्रभावी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। और क्योंकि ये दिल्ली का मामला है, जहां तक मैं समझता हूँ, इस पर बड़े बड़े अधिकारियों की नहीं, बड़े लीडर्स की भी नजर होगी, तो निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि वगैरह हैं उनके कुछ बयान भी आए होंगे, कुछ उनके उनके रिएक्शंस आए होंगे। अभी हम लोगों को तो पता नहीं क्या मामला है, बस हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि तथ्यों को एस्टेब्लिश करके सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए, जिससे कि एक उदाहरण बने कि आगे, जैसे बिटिया ने कहा है कि आगे जो इस तरह के दुष्ट स्वभाव के लोग हैं वो कभी हिम्मत ना करें ऐसे काम करने की। जी जी, बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यही रोकना चाहेंगे, आज की इस डिबेट को। हमारे इस डिबेट में खास मेहमान जुड़े थे, ब्रिजेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से कुमारी रूम्पी जी ने जुड़ करके अपने विचार व्यक्त किए। अमेरिका से डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने जुड़ करके हमारे इस डिबेट में भाग लिया और अपनी प्रतिक्रिया दी। बहरहाल सोशल मीडिया में जिस ढंग से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उस परिवार को ये भरोसा दिलाया है कि उनके परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी दोषियों के ऊपर में कार्रवाई किए जाने के लेकर। राहुल गांधी ने भी उनके परिजनों से जाकर मिला, चंद्रशेखर रावण ने भी
बहरहाल बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उसको लेकर संजीदा हो चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में हमारी उस नाबालिग बेटी जो एक गरीब की बेटी थी, दलित की बेटी थी, गरीब परिवार की बेटी थी, उसको कितना न्याय मिलेगा, शासन प्रशासन कितना उनके परिजन को आर्थिक सहायता का मदद करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम बहरहाल उस बेटी को इस विभत्स घटना को लेकर मौत के मुंह में लोगों ने जो ढकेला है या उन्हें जिंदा जला के मार दिया गया है, उसके लिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी उन्हें फांसी की सजा हो, ऐसी मांग की अपील हमारे वैसा मानवता टीम की ओर से, हमारे देखने सुनने वालों की ओर से हम करते हैं और हम उस बेटी को न्याय मिले इसकी कामना करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि उस बेटी को हम देते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्ति की ओर ले जाना चाहेंगे। हमारे साथ कोई और जुड़ रहे हैं, देखते हैं कौन है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय भीम, जय सतनाम।